हेलो दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ाता हूँ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो देखिए इसमें कैसे हल इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक, बीच वाली सम संख्या क्या है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा है पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो इसका सोल्यूशन देखिए बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से समझाऊंगा। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आ जाते हैं, तो कंपटीशन में भी हमको इनका सोल्यूशन करना होता है। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, देखिये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल का सोल्यूशन करेंगे, तो फर्स्ट सवाल के सोल्यूशन के लिए चलेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, यानी कि तीन क्रमागत सम संख्या, हमारे पास n बराबर है तीन, यानी कि संख्या कितनी है, तीन है, और इनका योग जो है हमारे पास वो क्या है, 24। योग लिख लीजिए 24। तो हमसे कहा है यानी कि ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक बीच वाली सम संख्या, सम संख्या बराबर, इसका फार्मूला होता है योग बटा n, ये होता है फार्मूला। तो योग हमारे पास क्या है, 24 है, और हमारे पास फिर n हमारे पास तीन है, तीन से काट देंगे, तीन अट्ठे 24 बराबर 8, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आएगा। तो देखिए फिर हम सेकंड सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो देखिये हमारे पास इसमें हमारे पास जो संख्या दे रखी है, यानी कि कितनी संख्या है, क्रमागत संख्या n बराबर 5 है हमारे पास। फिर हमारे पास योग जो है, योग 80 है, इक्वल टू 80। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे यानी कि ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच वाली संख्या बराबर, फार्मूला है योग बटा n, योग बटा n इक्वल टू, तो योग हमारे पास 80 है, 80 लिख लिया, एन है 5, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 का 30, यानी 16 बार में कट जाएगा। फिर हमसे पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या इक्वल टू, तो सबसे छोटी जो सम संख्या निकालेंगे, तो जो हमने ठीक बीच वाली संख्या निकाली है उसमें से दो घटा के प्राप्त करेंगे, उसमें से दो घटाएंगे तो हमारे पास 14 निकल के आएगा। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो हमारे पास 14 होगी। बहुत ही शॉर्ट सिंपल ट्रिक से मैंने समझाया है। अगर मेरी ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।